तो खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर के इलाके में रेस्टोरेंट के बाहर स्टंट कर रहे बाइकर्स को पुलिस ने सबक सिखाया। मॉर्निंग वॉक के समय कई गाड़ियों से युवक स्टंट कर रहे थे। स्टंट के चलते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। स्टंटबाजों को देखकर जेसीपी पीयूष मोढ़िया ने कार्रवाई की। ये स्टंटबाज युवक एसिड अटैक से पीड़ित लड़कियों द्वारा चलाए जा रहे थे और रेस्टोरेंट के सामने स्टंटबाजी करते हुए शोर शराबा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने स्टंटबाजों पर कार्रवाई की। एसिड अटैक के पीड़ित लोगों से आपको बता दें कि खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभकांत श्रीवास्तव ने। एसिड अटैक से पीड़ित जो लड़कियां थीं उनको दिया था और इसको एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है सिर्फ उन लड़कियों के लिए कि यहाँ पे वो अपना कैफे खोलें और अपनी रोजी रोटी इसी कैफे से चलाएं। हम कोशिश करेंगे यहाँ बात करने की किस तरह से इसको चलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, आज सुबह कुछ बाइकर्स आए यहाँ पे और काफ़ी जो है यहाँ शोर शराबा हुआ और यहाँ से पुलिस कमिश्नर गुजर रहे थे, उन्होंने कार्रवाई भी किया, तो कैसा माहौल है, किस तरह का है कुछ बता? हाँ देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ टूर पे लोग जाया करते हैं। कोई साइकिल से जाता है, कोई आप देखिए लोधेसरन जाते हैं तो कांवरिया उठा के ले जाते हैं, तो जो उनका काम है बम भोले करते हुए जाते हैं, जो साइकिल वाले वो अपना काम करते रहते हैं। इसी तरह ये स्टंट वाले बच्चे नहीं थे, ये बाइकर्स थे, ये टूर करते हैं जगह जगह पर, तो उन्हें मेरा रेस्टोरेंट दिखा। ठीक है, चूँकि हमारा जो रेस्टोरेंट खुलने का टाइमिंग है वो 10:30 का है, तो यहाँ पर बच्चे झाड़ू लगा रहे थे, इसमें 4-5 आ गए, उधर जो आपने सर बताया वो गुजर रहे थे, तो एक्चुअली उनकी जो बाइक थी बड़ी हैवी थी, उसकी वजह से उनका जो आवाज़ थी तेज़ हो गई। तो पुलिस प्रशासन ने अपना बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने भी समझाया कि इस तरह से आप लोग हरकत ना करें और चालान करके ये संकेत दिया कि आप टूरिस्ट हो या कोई भी हो, लेकिन आप एक नियम का पालन करें। एसिड अटैक से पीड़ित